हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे न्यू वीडियो पे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम हो रहा है 10:12। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आप लोग कल का ब्लॉग देखे थे जगन्नाथ मंदिर का, और आज हम लोग जा रहे हैं कोणार्क मंदिर। तो अभी यहाँ से निकलेंगे, अभी रूम में हम लोग, और अभी भूख भी लगा है तो अभी नाश्ता भी करना। तो चलिए अभी नाश्ता भी करते हैं होटल में जाके, और फिर निकलेंगे हम लोग। यहाँ से ऑटो बुक किए हैं अभी हम लोग, यहाँ से ऑटो लिए हम लोग, और ऑटो वाला लगभग 2000 रुपये लिया है दो ऑटो का। तो अभी चलिए चलते हैं, अभी चलिए नीचे चलते हैं, नाश्ता वास्ता करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फिर जल्दी जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप मेरे वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए। इस टाइप का ब्लॉग मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए तो फ्रेंड्स, फाइनली पहुंच गया कोणार्क मंदिर, एक घंटा सफ़र करने के बाद पूरी से। और अभी उतरे वो काफ़ी ज़्यादा थक गए, नींद भी लग रहा था। गेट के पास सामने गेट है, अभी एंट्री करते हैं यहाँ पे, देखते हैं टिकट विकट लगता है क्या। अभी फाइनली हम लोग एंट्री कर चुके हैं, यहाँ पे टिकट ले लिए, ये टिकट यहाँ का, ये देखिए क्या लिखा हुआ, पढ़ के बताते हैं आपको। भारतीय पुस्तक संरक्षण, ये छोटा सा है एक, जो कि पर पर्सन 40 रुपया यहाँ पे टिकट है। गिर गया था अभी तो, घुसने भी नहीं देता। हर व्यक्ति का 40 रुपया, बच्चा हो या बड़ा आदमी। अभी चलिए अभी अंदर चलते हैं, जस्ट पहुँचने वाले, अंदर पहुँचते हैं दिखाते हैं आपको क्या है नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये है सामने एंट्री, यहाँ पे अभी ये टोकन को देना होगा और यहाँ से एंट्री होगा। लड़की लोग का पर्स टांगने का, अभी बस टांग रहे। तो फ्रेंड्स, और यहाँ देख सकते हैं कितना ही अच्छा कलाकारी किया हुआ, ये देख सकते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा फिनिशिंग किया हुआ कलाकारी, बहुत ही पुराना है ये। और इस तरह काफ़ी सारा यहाँ पे दीवार खड़ा, उधर भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, काफ़ी सारा है। और वो उधर है आपका मेन कोणार्क मंदिर है वो, और इधर पार्क भी है। तो अभी चलिए घूमेंगे, आपको चारों तरफ दिखाएंगे किधर क्या है नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक दो फोटो शूट करवा रहे हैं, पहले फोटो वोटो शूट करवाते हैं। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। तो अभी चलिए देखिए अभी क्या क्या है नहीं, अभी पूरा घूमते हैं, एक्सप्लोर करते हैं अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं अभी इधर है पूरा मंदिर, ये देख सकते हैं, पर अंदर घुसने का अलाव नहीं है, पूरा पैक किया हुआ है। और इधर देख सकते हैं इसका आसपास पूरा पार्क है, और मतलब जो वॉल डिज़ाइन है ना, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, देख सकते हैं कितना ही अच्छा वॉल डिज़ाइन है। चलिए सामने चलते हैं मंदिर के, और दिखाते हैं आप लोगों को कि सामने से क्या है नहीं है। चलिए सामने आ चुके हैं हम लोग, यहाँ पे देख सकते हैं अलाव तो नहीं है ऊपर चढ़ने का, तो अभी चढ़ता हूँ थोड़ा सा ऊपर, देख सकते हैं बस यहीं तक। और कुछ इस टाइप का है डिज़ाइन, आप लोगों को बैक कैमरा से मैं दिखाता हूँ अच्छे से एक शॉट्स। और चलिए अभी नीचे चलते हैं। देखा है यहाँ पे इस जगह पे एक कुआं भी है, वहाँ पे जाने का अलाव नहीं है तो नहीं गए। एक कुआं है, देख सकते हैं पीछे कितना ही विचित्र विचित्र तरीके से बना हुआ है मूर्तियाँ। और यहाँ तो मंदिर काफ़ी बड़ा है,
देख सकते हैं यहाँ पे सीढ़ी भी लगा हुआ है ऊपर जाने के लिए, देख सकते हैं। और जो वो यहाँ देख सकते हैं जो मूर्ति बनाया, तो गाइस देख सकते हैं जो मूर्ति लगा हुआ है सूर्य भगवान का, और इसे कोणार्क टेम्पल कहते हैं और सूर्य मंदिर भी कहते हैं, मुझे जितना पता है मैंने आपको बता दिया। और इंडिया का ये सबसे बड़ा सूर्य मंदिर है जो कि पूरी में स्थापित है, और देख ही सकते हैं आप लोग भी कितना ही बड़ा है। अंदर घुसने का अलाउ नहीं है बट बाहर बाहर से आप घूम सकते हैं चाहो। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है साइड में जो कि ईट का मंदिर लिखा हुआ है, और ब्रिक टेम्पल 10th-11th century का ये बना हुआ मंदिर है, देख सकते हैं आप लोग भी। गाइस अभी एक टेम्पल के अंदर आए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस टाइप का है, और दीवार देखिए, और यहाँ पे एक छिपकली है कि क्या है वो तो नहीं पता बट देख सकते हैं, वो देखिए छिपकली। आपको हम बैक, तो यहाँ पे भी एक स्थापित है मंदिर, अब कौन भगवान है पता नहीं, शायद मुझे सूरज देवता ही है। चलिए देखते हैं और घूमते हैं। जितना आपको दिखाना था मेरी तरफ से मैंने दिखा दिया, और काफ़ी बड़ा मंदिर है, और ये सूर्य भगवान का मंदिर है, और देख सकते हैं इधर पीछे का भी व्यू कितना अच्छा है। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं, अभी चलना है रूम क्योंकि आज शाम में ट्रेन भी है, और चलिए अभी चलते हैं यहाँ से निकलते हैं और इन्जॉय करिए वीडियो का अच्छे से। तो फ्रेंड्स ये कुछ कोणार्क मंदिर के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि आप पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश उर्दू फारसी सब में लिखा हुआ है, आपको जिसमें पढ़ने का मन आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स पहुंच चुके हैं हम लोग रेलवे स्टेशन, उधर से कोणार्क मंदिर आए और घूम के आते ही सीधे हम लोग को आना पड़ा रेलवे स्टेशन क्योंकि लेट हो गया था, तो अभी हम लोग रेलवे स्टेशन में नहीं ट्रेन में भी आ चुके हैं जो कि हमारा बोगी है, और अभी चलेंगे, अभी 8:30 ट्रेन छूटने वाला है और अभी टाइम हो रहा है 7:54। तो चलिए अभी चलते हैं, देखते हैं कितने देर में ट्रेन छूटता नहीं छूटता है, और मिलते हैं रात में आप लोग से। और एक प्रॉब्लम हो चुका है हम लोग साथ, ये इस बोगी में चार्जिंग किट नहीं दिया हुआ है, तो देखते हैं कुछ ना कुछ जुगाड़ तो लगाना ही पड़ेगा।